व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैं दो वीडियो ला चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले जाकर वे दो वीडियो देखिए, उसके बाद इस थर्ड वीडियो पर आइए। तो हमने वीडियो टू में देखा था, हमने एक जॉब बनाई थी और जॉब के अंदर मेरे ये तीन स्टेप्स थे, रीड करना, प्रोसेस करना, राइट करना। ये नाम कुछ भी ले सकते हो आप, सीएसवी फाइल आइटम रिटर्न मैंने ऐसे लिख लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आज हम इन तीन स्टेप्स के बारे में, इन तीन टास्क के बारे में पढ़ेंगे, ये तीन टास्क काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हम सीएसवी फाइल आइटम रीडर, ये क्या करेगा, यह फाइल को मेरी रीड करेगा, ठीक है, किसी भी सीएसवी फाइल को रीड करेगा, उसको ऑब्जेक्ट में, जैसे फाइल में मेरे रिकॉर्ड्स होंगे, पहली लाइन में कुछ रिकॉर्ड होगा, दूसरी लाइन में कुछ रिकॉर्ड होगा, तो एक लाइन को एक ऑब्जेक्ट में कास्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एक लाइन को एक ऑब्जेक्ट में कास्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या करेगा, उस पर कोई प्रोसेस लगाएगा उस, क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट पर कोई भी वैलिडेशन लगेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेगा, अगर वो वैलिडेशन सक्सेस है तो उसको डीबी में राइट कर देगा, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि फाइल रीड कैसे करेंगे और उसको ऑब्जेक्ट में कास्ट कैसे करेंगे। तो मैंने ये अपनी बीन स्टार्ट करी, सीएसवी फाइल आइटम रीडर, मैं इसमें क्लास दूंगा फ्लैट फाइल आइटम रीडर, इसकी हेल्प से मैं फाइल रीड करूंगा, ठीक है। तो अब इस क्लास के अंदर मेरे दो प्रॉपर्टी हैं जो मैं यूज करूंगा, पहला है रिसोर्स, दूसरा है लाइन मैपर, ठीक है। तो रिसोर्स में क्या करूंगा, रिसोर्स में मैं डालता हूँ फाइल का पाथ कि मेरे को कहाँ से फाइल रीड करनी है। अगर आपकी कोई फाइल डेस्कटॉप पे रखी है तो आप रिसोर्स में सीधा डाल देना डेस्कटॉप तक का पाथ डाल देना, किसी ड्राइव में रखी है तो आप ड्राइव तक का पाथ डाल देना इस रिसोर्स में, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं फाइल अपलोड करूंगा स्क्रीन के थ्रू और उसको कंट्रोलर पर लेके जाऊंगा और फिर मेरे को फाइल रीड करनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लॉग आउट करता हूं, ये लॉग इन करा, ठीक है। अब मैं चूज करूंगा फाइल, डेस्कटॉप पर जाता हूं, ये प्लेयर वन, मैं आपको पहले इसका डाटा दिखा देता हूं, उसमें डाटा क्या है, इसमें मेरे तीन फील्ड्स हैं, अभिनव, एज, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बेसिकली, मेरे को सेव करना है नेम, एज और सब्जेक्ट। तो ये मैंने तीन रिकॉर्ड डाले, आप कितने डाल सकते हो, मैंने फिलहाल तीन लिए हैं। अब ये मेरा डीबी में चला जाना चाहिए, अभी मैं आपको डीबी दिखाता हूँ, डीबी खाली है, प्लेयर डॉट एंटिटी, सब नल पड़ा है। लेकिन मैं अगर अपलोड करता हूँ, ये मैंने फाइल करी अपलोड, रीनेम, मैं अपलोड करता हूँ, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है मेरी, बिल्कुल इंसर्ट भी हो गया है। अब मैं आपको डीबी में और दिखा देता हूं, ये मेरे डीबी में आ गए हैं तीन रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये सब हुआ कैसे, है ना, तो इस चीज को हम देखते हैं। तो ये सब हुआ कैसे, मैंने कोई इसको पाथ तो दिया नहीं, डी ड्राइव वगैरह मैंने कंट्रोलर से ले रहा हूं, तो मैं कंट्रोलर से अगर मुझे कोई चीज एक्सएमएल में चाहिए तो मैं जॉब पैरामीटर की हेल्प से लेता हूं, ठीक है। किसकी हेल्प से, जॉब पैरामीटर, तो यानी कि जॉब पैरामीटर मैं कंट्रोलर में कुछ सेट कराऊंगा और एग्जाम्पल में उसको ले लूंगा। तो अब मैं कंट्रोलर पर जाता हूँ, तो जैसे मैंने उस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करा था ना, फाइल चूज करके अपलोड, तो हिट यहाँ पर आई थी अपलोड फाइल, और जो फाइल मैंने अपलोड करी थी वो मेरे को इस मल्टीपार्ट फाइल में मिल जाएगी, यानी कि फाइल में मेरी वो वाली फाइल आ गई है, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं एक लोकेशन बनाऊंगा, फाइल पाथ बनाया मैंने डी ड्राइव, जो मैंने फाइल अपलोड करी है ना उसको मैं पहले एक लोकेशन पर रख दूंगा, समझे आप, जो फाइल मैंने अपलोड करी है कंट्रोलर के थ्रू उसको मैं एक लोकेशन पर रख दूंगा और उस लोकेशन को ही मैं पास कर दूंगा पैरामीटर में, जो पैरामीटर में, और उस और वो लोकेशन मेरे को यहां पर मिल जाएगी। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको बार बार सुनिए, मैं एक बार और बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लोकेशन बनाऊंगा, ठीक है। अब इस लोकेशन पे मैं अपनी फाइल सेव कराऊंगा और वो लोकेशन मैं जो पैरामीटर में सेट करा दूंगा और जो पैरामीटर से मैं वो लोकेशन यहां पर ले लूंगा। अब ये हो कैसे रहा है, देखो मैंने एक लोकेशन बनाई डी ड्राइव में, ठीक है, पाथ। अब उस पाथ में मेरे को फाइल नेम भी ऐड कराना है, तो मैंने इस फाइल नेम भी ऐड कराया अपने पाथ में, और ये चीज अब फाइल लोकेशन विद फाइल नेम मैं किस में सेट करा दूंगा, जो पैरामीटर में, देखो जो पैरामीटर में सेट कराया, ठीक है पूरा, और इसका की क्या दी मैंने, फाइल, और इसी फाइल की हेल्प से मैं इसको गेट कर लूंगा। देखो ये फाइल की हेल्प से मैंने गेट कर लिया, यानी कि अब मेरे को ये फाइल रीड हो गई, रिसोर्स में फाइल रीड हो गई। एक बार और मैं आपको कोड समझाता हूँ, मेरे पास ये फाइल आई, ठीक है, इस फाइल को मैंने आउटपुट स्ट्रीम से इस पाथ में फाइल सेव कराई,
फाइल का नाम मेरे को मिला और फाइल का नाम मैंने इस फाइल वो जॉब पैरामीटर में ऐड करा दिया। ठीक है, अब ये सारा कोड मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले मैं एग्जाम्पल में आपको ले चलता हूं। अब मेरा रिसोर्स का काम हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, रीड करने के लिए लाइन मैपर, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि मेरी फाइल कहां पर रखी है। अब मैं उस फाइल के रिकॉर्ड को रीड करूंगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूं कैसे प्रैक्टिकली। ये मेरी फाइल की लोकेशन मेरे को पता लग गई। अब मेरे को जो ये पहली लाइन है ना, इसको ऑब्जेक्ट में कास्ट करना है। किसमें? ऑब्जेक्ट में कास्ट करना है। अब मैं करूंगा कैसे, तो मैं फाइल मैपर लाइन मैपर की हेल्प से करूंगा। देखो, तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइन मैपर। तो लाइन मैपर में मेरे को दो चीज चाहिए, लाइन टोकनाइजर और फील्ड सेट मैपर। लाइन टोकनाइजर में क्या होता है, फाइल देखो मैं बताता हूँ, ये जो मेरी पहली जो मेरे फील्ड्स हैं, पहली रो है, ये किस टोकन से सेपरेट है। तो मैंने कहा भाई ये टोकन पाइप से सेपरेट है, ठीक है। तो ये देखो लाइन टोकनाइजर आई, मैंने ये बीन लाइन टोकनाइजर की बीन बनाई, ये रही लाइन टोकनाइजर की बीन। और इसमें मैंने बताया भाई मेरा डिलिमिटर क्या है, मेरा पाइप, ठीक है। और जो नेम्स हैं, पहला और क्या है नेम, दूसरा एज, तीसरा सब्जेक्ट, मीन ये मेरा नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा एज को और ये मेरे सब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब लाइन टोकनाइजर से हो गया, लाइन टोकनाइजर हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसको एक किसी ऑब्जेक्ट में सेट कराना है, तो ऑब्जेक्ट में सेट कैसे कराता हूँ, फील्ड सेट मैपर के थ्रू। तो फील्ड सेट मैपर क्या करता है, मेरे को ऑब्जेक्ट में सेट करा देगा। अगर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट में सेट कराना है तो आपको कौन सी क्लास यूज करनी है, बीन रैपर फील्ड सेट मैपर, ठीक है। इसमें सिर्फ आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दो और वो आपका उस ऑब्जेक्ट में उसको कास्ट कर लेगा। तो मैंने प्लेयर ऑब्जेक्ट में सेट कराया, और प्लेयर ऑब्जेक्ट मैंने कहां पर बनाया, ये रहा कि भाई मेरा प्लेयर ऑब्जेक्ट इस फोल्डर में है, ये देखो। इसमें मैंने नेम, ए, सब्जेक्ट, ये वेरिएबल बना रखे हैं। अब ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनेगा और इन वेरिएबल्स में जो वो फाइल की वैल्यू है वे उठकर आ जाएंगी, जो कि मेरा पाइप से सेपरेटेड है। तो आपको समझ आया रीड कैसे करा मैंने, नहीं समझ आया तो आप दोबारा सुनिए या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फाइल रीड कर ली और फाइल रीड करके उसको प्लेयर के ऑब्जेक्ट में कास्ट भी कर लिया। अब मेरे को सेकंड स्टेप क्या था, प्रोसेस करना। तो अब मैं उसको प्रोसेस करूंगा, ठीक है। तो अब मैं प्रोसेस इस वाली बीन पे जाता हूँ, प्रोसेस आइटम पर, ठीक है। मैंने ये प्रोसेस बनाया, अब मैं इसको प्रोसेस कैसे करता हूँ, मैंने अपना कोई पाथ दे दिया। आपको कस्टम पे प्रोसेस करनी है, ठीक है, उनका इनबिल्ड प्रोसेस यूज नहीं करना स्प्रिंग का, स्प्रिंग बैच का, आपको अपनी कस्टम की प्रोसेस करनी है। तो मैं कोई एक फोल्डर बना लेता हूँ, कॉम्डो न्यूक्लियस प्रोसेसर कस्टम फाइल प्रोसेसर, ये मैंने पाथ बनाया है, ये क्लास बनाई है इस पाथ पे। अब हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा आइटम प्रोसेसर से। आइटम प्रोसेसर क्या करता है, कुछ इनपुट लेगा, ये इनपुट लिया और कुछ आउटपुट कर देगा रिटर्न। तो मैंने जो इनपुट लिया वही आउटपुट रिटर्न करा दिया, ठीक है, देखो। लेकिन मैंने बस ये एक एसओपी करा दिया प्रोसेसर, ताकि पता लगे कि हाँ देखो प्रोसेस में आया था और ये प्रोसेसर में आया है। आप यहाँ पर कुछ भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको, मेरे तीन रिकॉर्ड थे, तीन बार प्रोसेसर में आया है, यानी कि हर रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहा है अलग अलग। आप कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगाइए, आप कुछ भी यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप है मेरा राइटर, तो राइटर तीसरा स्टेप मेरा राइटर है, राइटर चंक। मैं राइटर चंक पर आता हूं, तो मैंने राइटर चंक में मैं कस्टम की राइटिंग प्रोसेस करता हूँ, कॉम न्यूक्लियस राइटर कस्टम फाइल राइटर। इसको भी मुझे एक्सटेंड कराना पड़ेगा आइटम राइटर से, और जो ऑब्जेक्ट मैंने भी कास्ट कराया है, ठीक है। तो मेरे को ये पूरा उस ऑब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, इस लिस्ट को मैं आइटरेट कराकर डीबी में सेव करा रहा हूं। तो समझ आया अब कैसे काम हो रहा है, पूरा स्प्रिंग बैच कैसे रीड करा, कैसे प्रोसेस करा, कैसे राइट करा, ठीक है। ये सारा कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने गिटहब आईडी का, ठीक है। अब मैं आपको एक बार कंट्रोलर की कोडिंग मोड समझाता हूँ। आपने अगर नोट करा हो या आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो, मैं रिकमेंड करता हूँ सारी वीडियो देखना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये सारा काम मैंने एक जॉब के अंदर लिखा है, ठीक है। मैंने सारा काम किसके अंदर लिखा है, जॉब के अंदर, ये देखो मैंने जॉब के अंदर लिखा है। जॉब के अंदर मैंने एक जॉब बनाई थी, ठीक है, फाइल अपलोड, और इस जॉब के अंदर मैंने सारा लिखा है, स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर मैंने सारे प्रोसेस लिखे हैं। यानी कि अगर मैं अपनी जॉब कॉल कर लूँ किसी तरीके से तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस जॉब को कॉल कैसे करूँगा, तो मुझे आपने देखा था कि कंट्रोल पर मेरे हिट आई, और इस हिट जैसे यहाँ पर आई मैं अपनी ये जॉब कॉल कर लेता हूँ, फाइल अपलोड, मैंने ये जॉब कॉल करी, और देखो यहाँ पर मैंने फाइल अपलोड ही नाम लिखा है, ठीक है। मैंने फाइल अपलोड जॉब कॉल करी। अब जॉब कॉल करते कैसे हैं, मैंने कहा था जॉब लॉन्चर की हेल्प से। तो मैं एक जॉब लॉन्चर की बीन मैं
ऑटो ऐड करूंगा, ये जॉब लॉन्चर मैंने बना रखा है एग्जाम्पल में, आपको दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जॉब लॉन्चर बनाए रखा है, इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, अपनी जॉब रन करूंगा, ठीक है। तो जॉब लॉन्चर के अंदर जो मेथड है रन, वो क्या लेता है एज ए इनपुट, वो लेता है अपने अंदर जॉब का ऑब्जेक्ट और जॉब पैरामीटर। तो जॉब पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है कि जॉब पैरामीटर में फाइल का पाथ भेजूंगा, ठीक है। और जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिलेगी जॉब रजिस्ट्री के थ्रू, जॉब रजिस्ट्री डॉट गेट जॉब मेरे को क्या रिटर्न करती है, जॉब रिटर्न करती है, देखो। तो इसलिए मैंने वहां पर एग्जाम्पल में जॉब रिपोजिटरी बनाई थी, मैंने आपको बताया था ना जॉब रिपोजिटरी क्यों बना रहा हूं, ताकि वो मुझे जॉब दे। तो देखो मैंने जॉब रिपोजिटरी भी ऑटोवेयर कर रखी है, और ये कहां बना रखी है जॉब रिपोजिटरी, सेम नाम से एग्जाम्पल में, ठीक है। आपको दिखाई थी मैंने, ये देखो जॉब रिपोजिटरी भी बना रखी है, ये रही जॉब रिपोजिटरी, ये सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। जॉब रिपोजिटरी से मेरे को जॉब का नाम मिल जाएगा, और जॉब लॉन्चर के थ्रू मैं जॉब को रन कर लूंगा, ये सारा कोड समझ आ गया, ठीक है। अब जैसी मेरी जॉब जॉब लॉन्चर इस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। फाइल पहले रीड होगी, फिर उसको कास्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, फिर उस पर वैलिडेशन लगेगी, और फिर वो राइट कर देगा। ऐसे ही ये सारा काम हो रहा है, और आप देखोगे मैंने दिखाया था आपको, ये सारा मेरा राइट हो गया। तो आपको अगर स्प्रिंग बैश समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी या स्प्रिंग MVC कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए वीडियो अलग से लाऊंगा। थैंक यू।